ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सॉल्यूशन में। दर्शकों, आज हम कॉर्पोरेट वास्तु पर चर्चा कर रहे हैं। उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं निर्मला सेवानी जी। निर्मला जी, आपसे जानना चाहूंगा, अभी अभी आपने बॉस और एम्प्लॉयज के रिश्ते की बात की थी, तो अक्सर जितने भी जो ऑफिस होते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड होता है उनमें देखा जाता है कि एम्प्लॉय कितना ही अच्छा काम कर ले उनसे बॉस से अप्रिसिएशन नहीं मिलती, और बॉस कितना ही अच्छा व्यवहार कर ले अपने एम्प्लॉय से एम्प्लॉय खुश नहीं होते हैं, हमेशा उनकी चुगलियां करते रहते हैं। तो आपसे जानना चाहूंगा, ऐसा क्या किया जाए वास्तु के अनुसार जिससे कि बॉस और उनके एम्प्लॉयज में मधुर संबंध बने रहे। देखिए, बॉस को अगर कर्मचारी लोग खुश करना चाहते हैं तो उनके कमरे के कलर में एनर्जी लेवल अच्छा होना चाहिए। तो एक तो जुपिटर का थोड़ा सा येलो, गोल्डन येलो रंग लगाइए, जिससे कि वो वशीकरण का कलर कहलाता है, उनका सोच बिल्कुल ठीक होगा और थोड़ा सा जेनरस होंगे वो। और ऑरेंज कलर, और कर्मचारियों की जो वर्किंग डेकोर है उसमें वाइट, ऑफ वाइट और ग्रीन को इस्तेमाल किया जाएगा, तो दोनों के दरमियान सामंजस्य रहेगा। जी निर्मला जी, मैं उम्मीद करूंगा कि जितने भी जो अभी एम्प्लॉयज आपको देख रहे होंगे वो खास तौर पर आपने ये जो सुझाव दिया है उन्हें ये खास तौर पर अपनाएंगे वो। निर्मला जी, अभी के एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, शिवलाल जी हैं झुंझुनू से। शिवलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपनी जन्म की तारीख बताइए, फिर अपना सवाल पूछिए। मैडम, मेरी तारीख है 30/7/1995। ठीक है, 95। जी ठीक है, पूछिए सवाल। बताने में कौन से सेक्टर में जॉब मिल जाएगी सर्विस, कौन से सेक्टर में जॉब लग जाएगी, निर्मला जी ये जानना चाहते हैं आपसे। आप कौन कौन से सेक्टर में ट्राई कर रहे हैं बताएंगे। मुझे लगता है अकाउंट्स में लगनी चाहिए उसकी जॉब। वो किस में ट्राई कर रहे हैं जी? निर्मला जी, वो कह रहे हैं कि सिर्फ नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो सेक्टर नहीं। तो मैं बता देती हूँ, अकाउंट सेक्शन में, बैंकिंग या अकाउंट सेक्टर में उनका जॉब लगेगा। जी निर्मला जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आजकल देखा जाता है कि मोस्टली जो ऑफिस होते हैं वो बिल्कुल पैक्ड होते हैं, उनमें वेंटिलेशन नहीं होता है, तो वास्तु स्थिति के अनुसार, वास्तु के अनुसार कितना नेगेटिव या फिर कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है व्यक्तियों पर, वो जानना चाहूंगा आपसे। देखिए, पॉजिटिव तो कुछ नहीं पड़ता, पॉजिटिव तो ये है बच्चे कि थोड़े पैसे आप आजकल ज़्यादा कमा लेते हैं। जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वहाँ तक तो ठीक है, ये आपके बंद होते हैं, फिर सेंट्रल एसी होते हैं, आपकी वर्किंग कंडीशन कंप्यूटर पर बैठ के होती है। लेकिन कमाल तो तब हो गया जब, ये एक दो बरस पुरानी बात है, मैं एक स्कूल में गई थी उसकी वस्तु स्थिति ही देखने। बड़ा तकलीफ हुई हमको कि उसके बच्चों की असेंबली सुबह 6:30-7 बजे जो होती है प्रार्थना का, प्रेयर का स्थान, वो था बेसमेंट और उसमें एसी लगे हुए थे। तो हमने कहा कि ये इनको बाहर क्यों नहीं, आप इतना सुंदर खुला ग्राउंड है उसमें क्यों नहीं आप, और बड़ी सुंदर बना हुआ है वो स्कूल, नाम तो नहीं लेंगे, काफ़ी नामी स्कूल है दिल्ली का। तो हमने कहा कि आप जो है इसको बाहर असेंबली क्यों नहीं लेते कि बच्चे फेंट हो जाते हैं आजकल, आप जानती हैं अप्रैल का महीना है। तो मैं कहा इतने से बच्चे कैसे फेंट हो जाते कि उनके पेरेंट्स हला मचा देते हैं। तो मैंने कहा कि फिर ये बच्चे तो हवा नहीं खाएंगे, तो ये न तो आर्मी में जाएंगे, न किसान बनेंगे, न प्लेयर बनेंगे, और न पढ़ के कोई प्रॉपर व्यक्तित्व होगा, केवल ये कंप्यूटर के आगे आंखें फोड़ेंगे, ये तो जीवन नहीं होता कि खुली हवा में इतना सा बच्चा ही सांस नहीं ले पा रहा, नर्सरी से लेके हाई स्कूल था, बताइए सारा विकास ही व्यक्तित्व का, व्यक्ति का उस ब्रह्मचर्य में होता है, और उस पठन पाठन की इंस्टीट्यूशन को भी आप एकदम पैक कर देते हैं, तो आगे की तो बात ही अलग है। तो फिर मेरे को तो ये समझ ही नहीं आया कि और फील्ड के बच्चे या नेता अभिनेता कैसे बनेंगे, एक बेचारा एक्टर, फिल्म एक्टर भी 500 दफा कैमरा और गर्मियों में घूमता है, तो ये क्या पैदा कर रहे हैं हम, तो मुझे तो ये समझ ही नहीं आया। और रही बात कॉर्पोरेट सेक्टर की, आप देखिए तो इनके वक्त बदले हुए हैं, 8-10 घंटा आप काम करते हैं, बिल्कुल पैसे कमा सकते हैं, लेकिन आप तो 35 बरस में ही ऐसे हो जाते हैं कि आपके आगे 70 साल का बूढ़ा, 70 साल का जवान लगता है जो हमारे वक्त का। तो भाई ये तो सुधारिए, ये तो थोड़ा सा वर्किंग कंडीशन सुधारिए, और बिल्डिंगें भी सीमेंट और शीशे की न बना के थोड़ा चूना की तरफ ही चले जाइए, थोड़ी ठंडी हो। जी निर्मला जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, राम अवतार जी हैं सुजानगढ़ से। राम अवतार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी राम अवतार जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो, हाँ जी राम अवतार जी, नमस्कार। नमस्कार राम अवतार जी, अपने टीवी की वॉल्यूम जरा कम कर दीजिए और फिर अपना सवाल पूछिए। हाँ लो जी, कर दिए मैंने। हेलो, सवाल हुकम। हाँ नमस्कार मैडम। नमस्कार सर, मेरे लड़का है नाम कार्तिक, उसकी डेट ऑफ बर्थ है। हाँ जी, उसका डेट ऑफ बर्थ है 10/9/93। सवाल पूछे। उसका सवाल ये है मैडम कि बीकॉम कर ली इसने,
अब इसकी सर्विस नहीं लग रही मैडम, ये सर्विस कौन कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं मैडम, ये समस्या हो रही है हमारे। मुझे लगता है सरकारी नौकरी तो अभी भी 4 साल है, तो थोड़ा पढ़ लेता, मास्टर्स कर लेता तो ज्यादा ठीक था, और नहीं तो करता रहे ट्राई। पर सरकारी नौकरी में तो 4 बरस है, प्राइवेट चाहे तो वो कर सकता है 2-1 महीना में, पर छोड़ देगा बार बार, 6-8 महीने लगेगी उसे। जी निर्मला जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, रामदेव जी हैं बूंदी से। रामदेव जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपनी जन्म की तारीख बताइए फिर अपना सवाल पूछिए। हाँ, मैं मेरी बच्ची के लिए पूछना चाह रहा था। जी तो अपनी बच्ची की जन्म की तारीख बताइए फिर अपना सवाल पूछिए। 8 नवंबर 1994। ठीक है, सवाल पूछिए रामदेव जी, सवाल पूछिए। हाँ, मेरी बच्चे के लिए पूछना चाह रहा था मैं, उसकी जन्म की तारीख 8 नवंबर 1994। ठीक है, सवाल पूछिए रामदेव जी। हाँ, वो क्या कि पढ़ाई करती है लेकिन सफलता मिलती नहीं है उसको। तो चने की दाल, गुड़ और हल्दी को गाय को खिलाए थर्सडे थर्सडे को, तो मुझे लगता है कि कामयाब जाएगी। वैसे तो मैं फोर्स ही करती हूँ कि वो अच्छी सेटल हो जाएगी 23-24 बरस में, और अकेडमिक करियर ऑप्ट करेगी, टीचिंग लाइन में जाएगी। जी निर्मला जी, अभी के लिए एक और दर्शक जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, मोहित शर्मा जी हैं। मोहित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपने जन्म की तारीख बताइए फिर अपना सवाल पूछिए। निर्मला जी नमस्कार। नमस्कार। 11/5/1992। ठीक है, सवाल पूछिए। निर्मला जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरी सैलरी में इंक्रीमेंट कब होगा? अभी हो जाएगा, 2 महीने में जी। शायद मुझे लगता है कि ये दिन चल रहे हैं जी, और हो जाएगा 2-1 महीने में जी। निर्मल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, हमने कॉर्पोरेट वर्ल्ड की काफी बात की है पूरे शो में, लेकिन कॉर्पोरेट वर्ल्ड और रेस्टोरेंट का जो वास्तु होता है वो आपस में कितना डिफरेंट है, कितना डिफर करता है, वो जानना चाहूंगा आपसे। बहुत फर्क है जी। रेस्टोरेंट में तो आप फन मारने जाते हैं, खाना खाने जाते हैं और रिलैक्स होने जाते हैं, इंजॉय करने जाते हैं, और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप काम करने जाते हैं, तो एकदम डिफरेंट है। और रेस्टोरेंट में जाएंगे तो खुशनुमा माहौल होना चाहिए, और रंग ऐसे लगे हो जो दीवारों पे तो सेटल हो, ताकि खाना एम्बॉस होके आए और आप खा पाए। तो उसकी वस्तुस्थिति का किचन जैसे घर की वस्तुस्थिति होती है कि साउथ ईस्ट होना चाहिए, तो होना चाहिए जी। और जो गेस्ट हैं उसके, जो खाने वाले रेस्टोरेंट, वो सेंट्रली हो तो ज़्यादा अच्छा है ना। और जो साउथ ईस्ट कॉर्नर है वो खाने पकाने कोक और उनके लिए इस तरीके से लेआउट हो, और नॉर्थ से इंसान निकल के जाए और घुसे बीच से, इस तरीके का रेस्टोरेंट का लेआउट होता है जी। फर्क होता है, और डेकोर उसका थोड़ा फास्ट होता है। वहाँ पे आप रख सकते हैं थोड़े प्लास्टिक के पौधे वौधे भी जी। धूल साफ होने के लिए उनके पास बहुत स्टाफ होता है, तो वहाँ चलेगा ये सब जी। निर्मला जी, अंत में आपसे मैं जानना चाहूंगा कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में व्यक्ति को सफलता मिलती रहे, उनका जो व्यवसाय है काफी अच्छे से चलता रहे, इसके लिए क्या करना चाहिए उन्हें? अंत में कुछ कंक्लूसिव आप कहना चाहें तो हमारे दर्शकों को। बस ये है कि जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो ज़रूरत के ऑपरेटर्स हैं, वो व्यवस्थित हो, और डेड चीज़ें वहाँ पे कुछ नहीं हो, है ना। और रंगों से हारमनी बनाई जा सकती है, तो रंग और प्रकाश की थोड़ी सी समुचित व्यवस्था हो। अगर आर्टिफिशियल रोशनी में भी हमको जीना पड़ता है, तो वो उस तरीके की हो कि आँखों को नुकसान ना पहुँचाए, है ना, ठंडक देने वाली हो। तो इस तरीके से थोड़ी चीज़ें और अंदर के लेआउट को काउंसिल करके आप ठीक रख सकते हैं स्थितियों को। दूसरे काम करने की स्थितियाँ बस 8 से 10 घंटे हो, 15-15 घंटा काम करके खुद को थकाने के मतलब नहीं है, लंबे समय का रेस का घोड़ा नहीं हो सकते आप। रेस्ट करके आप उतनी मुस्तैदी से, उतनी ऊर्जा से 8 घंटे में उतना ही व्यवस्थित काम कर सकते हैं जो कि 15 घंटे में थके होके करते हैं। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि हमारे शो आपको बहुत पसंद आया होगा। निर्मला जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए, हमारे जितने भी जो दर्शक अभी आपको देख रहे हैं उन्हें कॉर्पोरेट वर्ल्ड के वास्तु से लाभान्वित करने के लिए। नमस्कार। तो दर्शकों, आज के हमारे शो में इतना ही, अगले बार फिर होगी आप सभी से मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।